तमाम हमद उस खालक अज़ल के लिए सुकून झील को जो देता है कमल के लिए मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाय सुखन कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है वो जो भी फ़ैसला करे बेमिसाल करता है मेरे रसूल को शम्स कमर से मत पहचान कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज़ करेंगे अजीज़ तोलबा में आसिफ राय आज हमारे पास जमात दहम में से दो नज़में हैं और इन दोनों नज़मों के आज हमने खुलासे और मरकजी ख्याल करने हैं आइए बढ़ते हैं बोर्ड की जानब और इनको पढ़ते हैं जी अजीज़ तोल्लावाबा अभी हमारे पास जमात दहम में से जो नज्म मौजूद है वो किसान है हमारे पास दो नजमें हैं आज के इस लेक्चर के अंदर एक नज्म किसान के नाम से उनवान से है और एक नजम जीवे जीवे पाकिस्तान के ुमान से है हमने जो पहले मरकज़ी ख्याल पढ़ना है वो नजम किसान से है हम गुजशा लेक्चर्स के अंदर किसान नज़म को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इस नजम को हमने अशार की तशरी के साथ पढ़ा उसके साथ हमने इसके अल्फाज मायने देखे और शायर का हल्का फुल्का तारफ़ भी हमने कर लिया हुआ था लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हमने इस नज़म का एक मरकजी ख्याल और एक ख़ुलासा अच्छी तरह से पढ़ना है आइए देखते हैं कि हमारे पास आज नजम किसान का खुलासा और मरकजी ख़याल कौन सा है सबसे पहले हमारे पास मरकज़ी ख़्याल मौजूद है इस नजम का मरकजी ख्याल ये है कि किसान को हमारी मुशी इकतदी और माशरती ज़िंदगी में एक अहम मकाम हासिल है किसान की मेहनत तो जी आइए इसका बकिया ऐसा पढ़ते हैं जी किसान की मेहनत तो मशक्कत ही मुल्क की पैदावार और कौमी आमदनी का बड़ा जरिया है ये फसलों को परवान चढ़ाता और उनकी निगहदाश्त करता है वो गर्मी की शिद्दत में भी अपने काम में लगा रहता है जी अब आइए खुलासा पढ़ लेते हैं जो नज्म किसान से है शाम का वक्त खेतियां खामोश इस समा में एक मजबूत इंसान यानी किसान जो तहजीब का पैदा करने वाला है वो अल्लाह ताला के जलवे का गवाह है वो सूरज और चांद की चमक से वाकिफ है इसकी नजरें रात को आसमान पर होती हैं और दिन को पर उसके सामने की झुकी रहती हैं और उसी के बरते पर किसी भी मुल्क की तहजीब फलती फूलती है किसान के बाजू की कुवत से बादशाह फलते फूलते हैं इसके चेहरे पर मेहनत के निशान हैं जी आइए इसका बकिया ऐसा भी पढ़ लेते हैं जी जब वो घर की तरफ रवा होता है जी प्यारे बच्चों ये तो मरकजी ख्याल और खुलासा था जो हमने नज्म किसान से अभी कर लिया अभी हमें जो दूसरी नज्म है जीवे जीवे पाकिस्तान उसका मरकजी ख्याल और खुलासा पढ़ना है आइए इसको पढ़ लेते हैं मरकजी ख्याल है इस मिली नगमे का मरकजी ख्याल है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान क्यामत तक जिंदा ताबिंदा रहेगा और इसके साए तले हम मतहद होकर जिंदगी गुजारें हमारे बुजुर्गों ने ये वतन बड़ी कुर्बानियाँ दे कर हासिल किया अब इसकी हिफाजत करना हम सब का फर्ज है आइए खुलासा पढ़ लेते हैं हमारा देश पाकिस्तान है ये खूबसूरत है इसमें सरसब्जो शदाब मैदान ऊंचे जी प्यारे बच्चों, आइए इस खुलासे का जो बकिया हिस्सा है उसे भी पढ़ लेते हैं जी बच्चों मैदान ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत दरिया है यूं महसूस होता है जैसे खूबसूरत फूलों से सजी हुई फुलवारी हो सब लोग इसकी अजमत के गीत गाते हैं हमने ये वतन हजारों जानों का नजराना देकर हासिल किया है इसने तमाम मुसलमानों को एक मरकज पर इकट्ठा कर दिया है ये अल्लाह ताला का हम पर इनाम है अब पाकिस्तान कायम हो चुका है जिसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई हैं हजारों जाने लुटी वो लोग तो अपने हिस्से का दुख दर्द झील गए अब ये हमारा काम है कि हम इसको संवारे इसको संवारे इसको मज़ीद खूबसूरत बनाए अल्लाह ताला मेरे वतन को सदा आबाद रखे आमीन जी प्यारे बच्चों ये था हमारे पास खुलासा जो नज्म जीवे जीवे पाकिस्तान से था दो चीजें आपने यहाँ पे यहां कर लेनी है एक मरकजी ख्याल के बारे में और एक जो खुलासा है उसके बारे में अगर आप मरकजी ख्याल लिखते हैं तो मरकजी ख्याल की जो तवालत है वो ज्यादा से ज्यादा दो से अढ़ाई सत्रह होनी चाहिए यानी दो से ढाई लाइन इससे ज्यादा ना हो और जो खुलासा है वो आठ से दस सतरे आठ से दस लाइने इतना ही होना चाहिए इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो खुलासा है वो कभी भी नज्म से बाहर नहीं होता जो नज्म की बात हो रही थी जो नज्म में अशार बात कर रहे थे उसी को ही सादा करके लिखना खुलासा कहलाता है लिहाजा अपनी तरफ से बहुत सी बातें इसके अंदर शामिल करने से आपके खुलासे का मकसद खत्म हो जाता है मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये खुलासे अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने इनको अजबर भी कर लिया होगा इन अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़